Hello friends, welcome to my YouTube channel Asha Jadli Inspirational Videos and Thoughts. आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें क्या दिखा रही हैं। देखिए आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन की सैर कराती हूँ। देखिए हमारे टेरेस गार्डन में एक फ्लावर है, ये प्लांट है जिसको कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका नाम है पिंक कनेर। ये एक बड़ा स्पेशल कनेर है। इस कनेर में जो फूल हैं, जो प्लांट फ्लावर्स हैं, वो पिंक कलर के हैं और ये बिल्कुल रोज़ वाला लुक आता है इनका। देखिए कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं और इस समय थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है और ये उस हवा में मस्ती से झूमते हुए घूमते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए कितने खूबसूरत ये फूल हैं और हम इसे कहते हैं पिंक कनेर। अभी देखिए आने वाले समय में कितना सारा एक बर्ड्स यानी कि कलियों का गुच्छा भी है और ये कलियों का गुच्छा पूरा का पूरा हमें दिखाई दे रहा है और ये थोड़े दिनों बाद जब खिलेगा तो इसमें बंच ऑफ फ्लावर जैसे हम कहते हैं वो सब हमें नज़र आएगा। और देखिए आप विश्वास करेंगे कि इतना बड़ा प्लांट जो है एक हमारे गमले में लगा हुआ है और आप देख सकते हैं वो जो गमला है वो गमला कहाँ तक है और कितना बड़ा है। आप ये देख सकते हैं हमारे और भी प्लांट्स यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं इन सबको, लेकिन ये जो कनेर है इस समय अपने फुल स्विंग में है और इसकी हाइट भी देखिए कितनी ऊंची हो चुकी है। मेरे ख्याल से ये 7 to 10 feet तक पहुंच चुका है। एक छोटे से, बहुत ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है, आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा ही गमला है, लेकिन ये किस तरह से अपने आप को इसने, हमने बहुत अच्छे से पानी दिया है और इसका खूब खाद दी है, इसका पूरा रख रखाव किया है, इस वजह से इसके अंदर इतने सारे फूल खिले हुए हैं। देखिए कितनी खुशी मिलती है इन फूलों को देखकर। इस समय नवरात्रि का पर्व है और नवरात्रि में माँ दुर्गा के ऊपर या माँ दुर्गा के चित्र पर, माँ दुर्गा की मूर्ति पर मंदिरों में हम इन पुष्प को अर्पित करते हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। चलिए आपको और बहुत से प्लांट्स दिखाते हैं जो हमारे टेरेस गार्डन में लगे हुए हैं। ये रहा हमारा एलोवेरा। एलोवेरा का प्लांट है, आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है ये भी एक पॉट में ही लगा हुआ है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एलोवेरा का प्लांट हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन को टैनिंग से बचाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एलोवेरा प्लांट की जो हमें हेल्प करती हैं बहुत सारी हमारी बॉडी को फिट रखने में। आगे चलते हैं, देखिए ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें कितने सारे बर्ड्स हैं, बेला का फूल इसे हम कहते हैं और इसमें थोड़े समय में इतने सारे वाइट कलर के फूल लगेंगे जिनमें से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। देखते चलिए, ये हमने स्टैंड में काफ़ी सारे गमले रखे हुए हैं और एक बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का फ्लावर है। इट्स ऑल्सो एक बंच में ही ये खिलता है, छोटे छोटे आप ये देखिए दो तरह से इनका जो भी लगा हुआ है प्लांट में फ्लावर्स का, एक तो बंच ऑफ फ्लावर के रूप में है और कुछ छोटी सी कलियां हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं नज़दीक से देखिए ये जो कलियां हैं, ये थोड़ा अभी और खिलेंगी तब ये बिल्कुल बंच ऑफ फ्लावर बन जाएगा। तब थोड़ा सा जो पुराना हो चुका है वो थोड़ा अपने आप को कुछ सूख चुका है, लेकिन इसमें आई थिंक 30 to 50 फ्लावर्स जरूर लगे होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सदाबहार। सदाबहार को तो आप जानते ही होंगे, सदाबहार जो हमेशा खिलता है, हर मौसम में हमें मिलता है और हम इसको देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है फूलों को देखना, खुशियाँ देखना। जो इंसान फूलों को देखकर खुश होते हैं या फूलों की सेवा करते हैं, ये समझ रहे हैं आप, हमारी हिंदू मैथोलॉजी में भी ये कहा गया है कि प्लांट्स की अगर आप सेवा करेंगे तो आपको बुध ग्रह का दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। आप ये देखें, एक बहुत ही प्यारा प्लांट है, इसका नाम है जैसे राखी प्लांट इसको कहा जाता है और इसका शेप बिल्कुल राखी की तरह ही है और ये बहुत छोटा सा है लेकिन ये अपने फुल शेप में है, मतलब ये इतना बड़ा ही खिलता है, ये इसका मैक्सिमम पार्ट है। और इसी गमले में हमने सदाबहार का प्लांट भी लगाया हुआ है, उसके ऊपर भी देखिए इतना छोटा सा प्लांट है और कितने सारे फूल लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से एक ही फ्लावर पॉट में 14 प्लांट्स को लगाया हुआ है, जो कि बहुत हमें अच्छा लगता है। तो हम इस तरह से कई प्लांट्स को एक साथ हम डेवलप करते हैं और आप देख सकते हैं हमारे ये टेरेस गार्डन में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं और हमने सभी तरह के यूटेंसिल्स को इस्तेमाल किया है, यानी कि अगर हमारे घर में कोई प्लास्टिक के डिब्बे पड़े हुए हैं तो उन प्लास्टिक के डिब्बों को भी हमने यूटिलाइज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे फूल हैं और इसी तरह से मैं आपको आगे के भी दिखाना चाहूँगी।
अरे वाह, देखिए पहचानी, ये क्या है? चलिए हम इसको आपको पूरा दिखाते हैं। ये इसमें प्लांट लगा हुआ है और ये प्लांट जो है फुल स्विंग में है, इस समय अपने एक्सट्रीम उस पर पहुंच चुका है। आप इसको हमें देखिए, गेस कीजिए और पहचानिए नज़दीक से क्या है ये। चलिए आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और बताते हैं कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि बहुत फुल स्विंग में आने के बाद इसमें ऊपर फ्लावर आ जाते हैं। ये हमने एक प्याज लगा दिया था और प्याज जो है जब फुली डेवलप हुआ है तो ऊपर जाके उसमें फूल के रूप में, शायद लास्ट में ये बीज के रूप में एक आ जाएगा, वो हमें दिखाई देगा। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। और नेक्स्ट ये हमारा एक छोटा सा प्लांट है, इसे हम क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। ये क्रिसमस ट्री के रूप में डेवलप हो रहा है और इसे देख के भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देख सकते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं इस साइड में, और ये हमने जिस तरह से लगाए हुए हैं इनकी पूरी देखभाल की जाती है, इनको तीन तीन टाइम पानी दिया जाता है। तो कैसा लगा आपको मेरे टेरेस गार्डन का ये सफ़र? अभी हमने एक छोटा सा पार्ट ही आपको दिखाया है, अगली वीडियोस में आपको कुछ और अमेजिंग और ऐसे प्लांट्स दिखाएंगे जिसे देखकर सुनकर आपको बहुत बहुत खुशी मिलेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।